नमस्कार, एसएस सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। इसमें आपको सुजानगढ़ के नगर परिषद एन के लोहिया स्टेडियम का दृश्य दिखा रहा है, जहां पर आज 71वां गणतंत्र दिवस समारोह मनाया जा रहा है। उपखंड अधिकारी, नगर परिषद के सभापति और तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के मुख्य अतिथि में यह कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। इस अवसर पर शानदार पीटी परेड का आयोजन होगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा और नगर के अनेक प्रतिभाओं का सम्मान किया जाएगा। आइए 71वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस समारोह का नगर परिषद एन के लोहिया स्टेडियम से अवलोकन करते हैं। समारोह के मुख्य अतिथि उपखंड अधिकारी पहुँच रहे हैं। और उप प्रशासनाधिकारी श्री सुभाष सिंह जी मंच पर हाजिर हैं। मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर रतन कुमार आप पर आ चुके हैं। उप नायब तहसीलदार साहब विशन सिंह जी के नेतृत्व में अपने स्थान पर मुझसे ध्वज को सलामी देने हेतु मेरा निवेदन, आप पधारें और ध्वजारोहण के साथ इस कार्यक्रम की विधिवत हम शुरुआत करें। किया है सभी को, आप एक बार सभी स्थान पर खड़े हो जाएं, सभी छात्र छात्राएं अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। ध्वजारोहण के साथ समारोह शुरू हो रहा है। अतिथिगण मार्च पास्ट का अवलोकन करेंगे। आपकी इलेक्शन के लिए हजरत गणतंत्र दिवस 2020 परेड आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है। एक निवेदन आग्रह किया है हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय और अति विशिष्ट अतिथि जी और साथ में हमारे आसपास के कार्यक्रम के बाद मौज पर
सोच और इनकी ऊर्जा का संस्कार होता है कि वास्तव में यह भविष्य के कर्ता, ये हमारे राष्ट्र का भविष्य जो एक तत्परता से और पूरे राष्ट्र प्रेम के जोर शोर जज्बे से आपके दल का निर्माण करवा रहे हैं। गांधी बांधी की पोशाक अलग अलग विद्यालय अलग अलग कानून और इनका जोश और इनका जज्बा दल नायक सभी को नेतृत्व प्रदान करके कर रहे हैं। श्रीमान जी से निवेदन, आप पधारें और सलामी हेतु आप पधारें। सावधान, तीनों तीन में दाहिने मुड़ेगा, दाहिने मुड़ और सभी प्लाटून लीडर एक साथ एक लय और एक ताल में अपने यदि जोर से एक मर्दा करे मुझे कष्ट को जान में लाऊं कर वही सात वर्ष में सत बार मेरा जन्म हो कारण सदा ही मृत्यु का ये स्वप्न कारण कर्म इसी भावना और इसी जोश और जज्बे के साथ सभी प्लाटून बारी बारी से राष्ट्र ध्वज को सलामी देते हुए प्रस्थान करेंगे। साथ देवेंद्र बाकोलिया संपूर्ण परेड का सामूहिक रूप से नेतृत्व प्रदान कर रहा है। 16 प्लाटून 14 विद्यालय मार्च पास्ट में भाग ले रहे हैं। सोनादेवी सोफिया कन्या डॉक्टर महाविद्यालय के एनसीसी कैडेट का यह प्रथम प्लाटून लक्की बाबरा के नेतृत्व में श्री सुधीर शर्मा के मार्गदर्शन में कर रहा। प्रथम प्लाटून, द्वितीय प्लाटून विवेक सैनी के नेतृत्व में राष्ट्रीय तीसरी भी उच्च माध्यमिक विद्यालय का प्लाटून दाहिने देखते हुए सभी एनसीसी के लिए अपने संपूर्ण वेशभूषा में सजे सजे मंच के सामने से प्रस्थान कर रहे हैं। प्रभारी श्री जगदीश प्रसाद दास। तीसरा प्लाटून एसपीसी जनरल बालिका प्रस्थान कर रहे हैं। चतुर्थ प्लाटून रात के जादोजा उच्च माध्यमिक विद्यालय का एसपीसी दल नायक गुरु पार्गव ने सभी को दाहिने देश के लिए आदेश किया है। प्रवेश प्रदान के नेतृत्व में अब जो प्लाटून मंच के सामने से गुजर रहा है वे विद्यालय है जादोजा स्कूल मार्गदर्शन में प्रस्थान कर रहा है। गांधी बालिका उच्च
पोशाक में नेतृत्व प्रदान कर रही है नाजिया प्रभारी ममता दुग्गड़ के सानिध्य में राष्ट्र ध्वज को सलामी देते हुए ये नैनी यात्राएं प्रस्थान कर रही है। सलामी देते हुए प्रस्थान कर रहा है राजकीय कन्नड़ बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय से छात्राएं प्लाटून नंबर 13 गांधी देवी गांधी बच्चे उच्च बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के नियमित छात्राओं का यह दल इंडिया क्लास के नेतृत्व में मंच के सामने से प्रस्थान कर रहा है। प्रभारी श्रीमती बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय छात्राओं का दल मंच के सामने से प्रस्थान कर रहा है। प्रभारी श्रीमती गणपति प्रसाद प्लाटून नंबर 15 राजकीय रामकुमार बराड़िया बालिका माध्यमिक विद्यालय का है। सरनम सगाला इस दल को नेतृत्व दे रही है। श्रीमती कमला चौधरी के मार्गदर्शन में यह प्लाटून सलामी देते हुए प्रस्थान कर रहा है। मार्च पास्ट का अंतिम एवं 16वां प्लाटून सामूहिक व्यायाम प्रदर्शन अब हो रहा है। गणतंत्र दिवस की पावन वेला पर उपखंड स्तरीय उपखंड कार्यालय नगर परिषद और विभिन्न विभागों के सहयोग से इस पर्व को हम मना रहे हैं। सामूहिक मुक्त हस्त व्यायाम का प्रदर्शन शहर की 26 शालाओं से छात्र छात्राएं कुल 909 छात्र छात्राएं सामूहिक शैक्षिक व्यायाम में भाग ले रहे हैं। जैसा कि कहा गया है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। व्यायाम से हमारा शरीर गतिमान सबल बनता है, शरीर रोग मुक्त रहता है। व्यायाम करने से तन को स्फूर्ति और मन को शांति मिलती है। प्रकृति हमेशा एक और एक को 11 बनाती है। विज्ञान के मतानुसार प्रकृति उन्हीं का वर्णन करती है जो बलशाली होते हैं। बलवान व्यक्ति ही राष्ट्र सेवा में सहायक हो सकता है। हमारे शास्त्रों में भी व्यायाम का महत्व बताया गया है। कई प्रकार के व्यायामों का वर्णन हमारे शास्त्रों में मिलता है। मानव के प्राचीन काल में भी कसरत करने के पर्याप्त साक्ष्य मिलते हैं। आदिकाल से मनुष्य व्यायाम के महत्व को सहशैक्षिक गतिविधियों के रूप में क्रीड़ा एवं व्यायाम को शीर्ष पर रखा गया है। कसरत का महत्व इन बालक बालिकाओं के लिए और भी ज्यादा है क्योंकि यही बालक बालिकाएं राष्ट्र निर्माण में महती भूमिका निभाएंगे। बहुत कुछ सिखा जाती है जिंदगी, बहुत कुछ सिखा जाती है जिंदगी, हंसकर रुला जाती है जिंदगी। जिंदगी जी सको उतना जी लो।
जिसके बिना जीवन नीरस हो जाता है। व्यायाम से शरीर की कुछ ऊर्जा खर्च जरूर होती है, लेकिन शरीर में बहुत अधिक ऊर्जा संचय करने की शक्ति भी हमें व्यायाम से मिलती है। हमारे कार्य करने की क्षमता में कई गुना वृद्धि होती है। व्यायाम को लय व ताल में करने से इसमें रोचकता आ जाती है। दर्शकों का मन कह उठता है, कारगिल की विजय तुम्हारी बाहों का उपहार है, कारगिल की विजय तुम्हारी बाहों का उपहार है, देशभक्ति की अविरल धारा सांसों का श्रृंगार है। उठो जवानों बनो प्रवंजन, उठो जवानों बनो प्रवंजन, अब तो प्रलय गया करते सरवर खान की वीरांगना को सम्मानित किया जा रहा है अतिथियों के द्वारा। जैतून बानो का सम्मान हो रहा है शहीद सरवर खान की वीरांगना का। उप सभापति बाबला जी सुनील जी
हमारे यहाँ की एडिशनल एसपी सीताराम भाई जी, जो एस पी साहब शर्मा जी, जसीलाल जी, आप जानते हैं कि 200 वर्षों के एक लंबे संघर्ष के बाद 17 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। आज़ादी के बाद में हमारी संविधान सभा का गठन और उसके बाद में 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान का संविधान है वो प्रारंभ हुआ। इस अवसर पर मेरा ये कहना है कि भारतीय संविधान के जो वैल्यूज हैं, उनके जो आदर्श हैं, जो दर्शन है, उनको हमें हमारे व्यवहारिक जीवन में अपनाने की अत्यंत आवश्यकता है। सामाजिक न्याय का इश्यू हो या देश की एकता और अखंडता है, इसका इश्यू हो, हमें सभी लोगों को अपने बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। आप देखते हैं कि देश की आज़ादी की और संविधान लागू होने के बाद में भारत देश है वो प्रगति के पथ पर आगे बढ़ा है। तकनीकी क्षेत्र में हो, कृषि और विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में हो, सभी क्षेत्रों में हमारे देश ने प्रगति की है। लेकिन कुछ ऐसे विघटनकारी तत्व हैं जो देश की एकता और अखंडता को तोड़ पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। साम्प्रदायिकता, जातिवाद, भाषावाद, जो हम देखते हैं कि जो ये देश की एकता को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इस मंच के माध्यम से मेरा यही आह्वान है कि हमें इन सबको रोकथाम करने का प्रयास करना चाहिए। सभी लोगों के इच्छुक होकर देश की एकता और अखंडता में योगदान देना चाहिए। हमारे जो महापुरुष हैं, जो जिन्होंने बहुत ही संघर्ष किया, लंबे संघर्ष के बाद में इस सुभाष चंद्र बोस को, महात्मा गांधी हो, इनका जीवन एक बहुत ही आदर्शपूर्ण है। उनकी आदर्श मूल्यों को हमें हमारे व्यवहारिक जीवन में अपनाने की आवश्यकता है। आज के इस युग में हम देखते हैं कि भौतिकवाद के युग में जो लोग बागों बाग की जिंदगी जी रहे हैं, और ऐसी स्थिति में हमें ऐसे आदर्श महापुरुषों के जीवन से है वो प्रेरणा लेनी चाहिए। अब राजस्थान के बारे में देखिए, राजस्थान के इतिहास की अपनी बहुत ही दीर्घाता परंपरा यहाँ की रही है। महाराणा प्रताप जैसे यहाँ देशभक्त रहे हैं, बामा शाह जैसे कानपुर देशभक्त, मीराबाई जैसे यहाँ की संत रही है। ऐसे जो महापुरुष हैं इनके जीवन से हम लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। जहाँ तक मैं यहाँ पे उपस्थित बच्चे हैं, इन सभी का मेरा यही कहना है इस मंच के माध्यम से कि उन्होंने उनको ज़्यादा से ज़्यादा है वो पढ़ाई करनी चाहिए, अच्छे संस्कारवान बनने का प्रयास करना चाहिए, और देश के राष्ट्र निर्माण में आपकी मतलब युवकों की एक महत्वपूर्ण भूमिका हो, कि आप लोगों को प्रयास करना चाहिए। मातृशक्ति यहाँ पर बैठा है, मेरा उनसे यही निवेदन है कि अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डालें और महिला सशक्तिकरण है उसको बढ़ावा दें। महिला सशक्तिकरण जब आगे बढ़ेगा, महिलाओं को शक्ति उनकी मजबूत होगी, तभी है वो एक अच्छा लोकतंत्र है, एक अच्छा जैसे क्या है कि अपना जो जनता का शासन है वो मजबूत होगा। उपस्थित सभी जो यहाँ पे शिक्षकगण है, उनका भी कहना है कि आप अधिक से अधिक बच्चों को बढ़ाएँ, उनका अच्छे संस्कार दें, वो मेहनत करें। मैं विशेष तौर से यहाँ पे जो बनाने में जितने भी हमारे बच्चे विद्यालय से भेजे हैं, उन्हें बहुत ही शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन देंगे, और व्यायाम पुलिस को किसी ग्रेड का बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और विशेष तौर से जो पत्रकारगण है, उनका भी मेरा यही निवेदन है कि आप भी अपने प्रिंट मीडिया या जो उनका इसके माध्यम से ज़्यादा सामाजिक सरोकार हैं, उनको बल दें, उनको बढ़ावा दें बच्चों से। और यहाँ पर बहुत आगे जनों से मेरा यही कहना है कि आप पानी की बड़ी इम्पोर्टेंस होती है, पानी की महत्ता बड़ी महत्व होती है, पानी बचाने का प्रयास करें, ज़्यादा से ज़्यादा है वो पेड़ लगाने का प्रयास करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक मुक्त जैसे क्या है कि सुधारगढ़ को है, पॉलिथिन मुक्त है, यह इसको करने का आप सभी लोग आज के इस अवसर पर सक्रिय दें, जिसे क्या है कि हमारे यहाँ का जो वातावरण है साफ सुथरा स्वच्छ भारत मिशन में आप सभी लोगों की सहभागिता हो, ये मेरा आप सभी से निवेदन है, आह्वान है। मैं एक बार अम्बेडकर साहब का बनाया हुआ संविधान के अंतर्गत ही हिंदुस्तान में हर गतिविधियों का वह जीने का अधिकार है। हमारा संविधान अपने आप में महत्वपूर्ण है, दुनिया में संविधान की दृष्टि से हमारा संविधान अति महत्वपूर्ण है। मैं पुनः आप सभी को इस नगर परिषद के माध्यम से आज गणतंत्र दिवस की शुभ घड़ी में मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, और विशेष तौर से छात्र छात्राओं से निवेदन करना चाहूँगा, शिक्षा में आप आगे बढ़े और हिंदुस्तान का नाम गौरवान्वित करे। हिंदुस्तान अपने आप में दुनिया में एक अलग ही मिसाल रखने वाला देश है। मैं पुनः सभी आए हुए अतिथियों का नगर परिषद के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद और गणतंत्र दिवस की ढेरों सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। आप सबको सुझाने
बड़ा लिखित संविधान है और उसी की बदौलत इतने बड़े भूभाग और इतनी बड़ी जनसंख्या के बाद सभी धर्म सभी जाति और सभी वर्ग के लोगों को एक साथ जोड़े हुए हैं। संविधान ने हमें सभी लोगों को सभी धर्म जाति और सभी वर्ग के लोगों को एक साथ रहना जीने का हमें अधिकार दिया है। इसी के साथ हमारे कर्तव्य भी दिए हुए हैं संविधान ने, हमको उनको भी ध्यान में रखते हुए आपस में मोहब्बत और इत्तेफाक से रहना है। इस मौके पे मैं सुजानगढ़ वासियों को एक संदेश देना चाहूंगा कि हमने सफाई के मामले में पूरी कोशिश की है। आपको बता दूं कि 2019 में 1 लाख से 10 लाख की पॉपुलेशन में हम टॉप 10 में 8 नंबर पे थे। अभी जो 3 महीने का सर्वे आया है हम 6 नंबर पर आए हैं और मैं आशा करता हूँ कि आप सबके सहयोग से आप सभी मिलकर के हम टॉप 1 में आए तो आप सभी लोग स्वच्छता का ध्यान रखें और कचरा जो हमारा ऑटो आता है उसमें डाले तो सुजानगढ़ को साफ और हरियाली में रखे। हमने अभी सिटी पार्क भी शुरू कर दिया है, उसको आप सभी लोग जो बच्चों को लेके जाते हैं साफ तौर से ख्याल रखें, उसमें सफाई रखें और उसको मेंटेनेंस का भी ध्यान रखेंगे। एक बार फिर मैं सुजानगढ़ वासियों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। सुजानगढ़ के नगर परिषद एनके लोहिया स्टेडियम से हमारा खास कार्यक्रम जहां पर 71वां गणतंत्रता दिवस बहुत आनंद उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी के द्वारा झंडारोहण किया गया, उसके बाद में शानदार पीटी परेड का आयोजन एनसीसी कैडेट्स और स्कूल के छात्र छात्राओं के दिया गया और विभिन्न विद्यालयों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। एसएन सुधा के लिए मैं शिव कुमार तिवारी, प्रेस सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद, नमस्कार। गणतंत्रता दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं।